नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हरियाणा के हर्बल पार्क। जैसा कि आप जानते हो, हरियाणा सेट की डेट नज़दीक आ चुकी है। अगस्त में पेपर के बारे में बताया जा रहा है कि भाई पेपर अगस्त में होगा, उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने अभी से हरियाणा सेट के लिए कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो बनानी आरंभ कर दी हैं आपके लिए। और ये वे वीडियो होंगी जहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना सबसे ज़्यादा होगी। तो आइए देखते हैं हरियाणा के हर्बल पार्क। आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई हर्बल पार्क जो हरियाणा के किस बेसिस पर बनाए गए हैं या भारत के अंदर हर्बल पार्क का क्या महत्व है। तो मैं आपको बता देता हूं, पहली बात कि भाई जो बीज हैं उनकी मांग को देखते हुए और जो औषधि है उनकी मांग को देखते हुए उनकी जो गुणवत्ता में उसमें वृद्धि करने के लिए हरियाणा के अंदर हर्बल पार्क बनाए गए। और इन हर्बल पार्कों को बनाने के लिए एक बोर्ड का गठन किया गया। जी हाँ दोस्तों, किसका गठन किया गया? एक बोर्ड का गठन किया गया। कब किया गया? तो यह गठन किया गया था आपका 2002 में। तो ध्यान करनी है कि भाई हर्बल पार्क संबंधित जो मेडिसन्स हैं उनके बोर्ड का गठन हरियाणा में कब किया गया? तो उनके बोर्ड का गठन किया गया था दोस्तों 2002 में। पहला क्वेश्चन तो यही है कि कब किया गया, तो कब किया गया 2002 में। सेकंड क्वेश्चन क्या होगा? सेकंड क्वेश्चन ये है कि भाई हरियाणा के अंदर कितने हर्बल पार्क हैं? तो ध्यान करनी है, हरियाणा के अंदर 59 हर्बल पार्क हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्टली पूछ लेते हैं। और ध्यान करने हैं, हरियाणा के अंदर कितने हर्बल पार्क हैं? तो हरियाणा के अंदर कितने बताए आपको मैंने? 59। सेकंड जो स्टैटिक क्वेश्चन बनते हैं पहले उनको डिस्कस करता हूं, बाद में और हर्बल पार्क डिस्कस करेंगे। थर्ड जो क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन क्या बनेगा कि भाई हरियाणा के अंदर जो सबसे पहला हर्बल पार्क है वो कब बना? तो ध्यान करनी है, कब बना, कौन सा था, ये पॉइंट भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। और किस डिस्ट्रिक्ट में है ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान करना दोस्तों, हरियाणा के अंदर जो पहला हर्बल पार्क बना है वो हर्बल पार्क 2001 के अंदर बनता है। और ये हर्बल पार्क कहाँ बनाया जाता है? यह यमुनानगर के अंदर बनाया जाता है। ध्यान करनी है, यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट होगी, 2001 सन होगा और नाम क्या होगा? देवीलाल। जी हाँ दोस्तों, देवीलाल हर्बल पार्क जो कि आपका कहां पर पड़ता है? यमुनानगर के अंदर पड़ता है, देवीलाल रुद्राक्ष हर्बल पार्क, जो कि 6 नवंबर 2001 को। तो ये इंपोर्टेंट डेट है, ये आपको ध्यान होनी चाहिए। जो पहला बताया था 2002 के अंदर बोर्ड का गठन हुआ, पहला हर्बल पार्क कौन सा है? देवीलाल रुद्राक्ष हर्बल पार्क है, जो कि यमुनानगर के अंदर है। और दोस्तों कई बार ये भी पूछा जाता है कि भाई यमुनानगर के अंदर कौन सी जगह पर है, या ये पूछ लिया जाता है कि जिस जगह पर एक जगह होती है चहुपुरा, चहुपुरा जो जगह है यमुनानगर के अंदर, चहुपुरा जो भी आप लिखा हुआ है किताबों के अंदर या जो भी हम प्रनाउंस कर रहे हैं। तो ध्यान करना, चहुपुर जो जगह है, कई बार ये भी पूछ ली जाती है कि भाई ये सतान हरियाणा के अंदर किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है। तो आपको ध्यान करनी है ये बात कि भाई चहुपुर कहाँ पर पड़ता है, तो चहुपुर पड़ता है आपका यमुनानगर में। उसके बाद सेकंड जो मैं बात करने जा रहा हूँ, कि भाई एशिया का सबसे बड़ा हर्बल पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? तो एशिया का सबसे बड़ा हर्बल पार्क बनाया जा रहा है आपके पंचकुला में। ध्यान करनी है आपको ये बात, क्योंकि मैं उन क्वेश्चनों को पहले डिस्कस कर रहा हूँ जो स्टैटिक जीके के अंदर बनते हैं क्वेश्चन। उसके बाद देखिए, हरियाणा के अंदर जो सबसे ज़्यादा हर्बल पार्क हैं वो कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? तो ध्यान करनी है, हरियाणा के अंदर जो सबसे ज़्यादा हर्बल पार्क हैं वो महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी के अंदर हैं। तो ध्यान करनी है, कहाँ पर है? महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी के अंदर हैं सबसे ज़्यादा हर्बल पार्क। उसके बाद देखिए, मैंने इन हर्बल पार्कों को कैटेगरी वाइज डिवाइड किया है। और जिस तरीके से मैंने डिवाइड किया है, मैंने यही अंदाजे से लगाकर डिवाइड किया है कि भाई आपको अच्छे से याद हो जाए। सेकंड एक चीज़ और ध्यान करनी है, इनको पढ़ने से पहले कुछ सतानों के नाम होंगे, उनके नाम पर ये हर्बल पार्क बनाए गए हैं। तो कई बार हरियाणा में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, स्थान का नाम दे देते हैं और डिस्ट्रिक्ट पूछ लेते हैं कि भाई ये स्थान कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, तो उस जगह का उससे क्या है संबंध है, इसलिए ही वो क्वेश्चन बनता है। तो आपको ध्यान रहे, जो भी नाम बोला जाता है उस पर फोकस करना है कि भाई ये कहां पर है। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा जिन डिस्ट्रिक्टों के अंदर जो इंपोर्टेंट हर्बल पार्क हैं एक एक। तो सबसे पहले मैं नूह की बात करता हूं। सभी को पता है नूह, जिसका क्या नाम था? मेवात। और सबसे पहले इसका नाम क्या था? सत्यमेव पुरम। ये
नूह के अंदर एक हर्बल पार्क है, ध्यान करना मेवात है, मेवात से पहले सत्यमपुरम जो भी नाम था गांधी जी के द्वारा दिया गया नाम था, तो ध्यान करना इसके अंदर एक हर्बल पार्क है जिसका नाम है एलोवेरा, एलोवेरा वाटिका या एलोवेरा, सभी को पता है भाई एलोवेरा का आजकल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। हमारे जो योग के गुरु हैं बाबा रामदेव जी, वो एलोवेरा के बारे में बहुत ज़्यादा बताते हैं। तो ध्यान करना नूह के अंदर कौन सा हर्बल पार्क है, तो नूह के अंदर है एलोवेरा हर्बल पार्क। उसके बाद देखिए मैं सेकंड जो आपकी डिस्ट्रिक्ट है फरीदाबाद, फरीदाबाद औद्योगिक नगरी के नाम से जानी जाती है, और इस औद्योगिक नगरी के अंदर एक रतन ज्योत, क्या नाम है, रतन ज्योत हर्बल पार्क या वाटिका है। तो ध्यान करनी है सबसे पहले नूह है, नूह के अंदर मैंने क्या बताया, नूह के अंदर बताया मैंने आपको एलोवेरा, और फरीदाबाद के अंदर मैंने क्या बताया आपको, रतन ज्योत। उसके बाद देखिए गुरुग्राम, सभी को बताया गुरुग्राम उभरता हुआ शहर है, और यह शहर हरियाणा सरकार के द्वारा ही स्मार्ट सिटी में बनाया जा रहा है। वैसे तो केंद्र सरकार के द्वारा फरीदाबाद और करनाल स्मार्ट सिटी में बनाए जा रहे हैं, लेकिन गुरुग्राम हरियाणा के खर्चे पर बनेगा स्मार्ट सिटी। तो ध्यान करना गुरुग्राम के अंदर कौन सा है, आंवला हर्बल पार्क। जी हाँ दोस्तों, कौन सा हर्बल पार्क है, आंवला। सबसे पहली बात करी मैंने किसकी, मैंने बात की नूह की, नूह के अंदर एलोवेरा, फरीदाबाद के अंदर क्या है, रतन ज्योत, और तीसरी बात की मैंने किसकी, गुरुग्राम की। गुरुग्राम के अंदर कौन सा है आपका, आंवला हर्बल पार्क। उसके बाद हरियाणा की राजनीतिक केंद्र जो कि रोहतक है, और रोहतक के अंदर कौन सा हर्बल पार्क है, नीम वाटिका। तो कई बार पूछ लिया जाता है कि भाई पूछा गया है क्वेश्चन, पूछा नहीं जाएगा, पूछा गया है क्वेश्चन कि भाई नीम वाटिका कहां पर है, तो नीम वाटिका आपका कहां पर है, रोहतक के अंदर है। उसके बाद देखिए पानीपत, पानीपत सभी जानते हैं, पानीपत के तीन प्रसिद्ध युद्ध हुए, और देखिए किसी चीज को किसी के साथ रिलेट किया जाता है तो जब ही चीजें अच्छे से याद होती हैं, तो प्रयास किए विलवा, क्या है, विलवा। तो ध्यान करना पानीपत के अंदर कौन सा है, विलवा वाटिका हर्बल पार्क। उसके बाद देखिए कुरुक्षेत्र, देखिए सभी को पता है कुरुक्षेत्र धर्म नगरी, कुरुक्षेत्र है हमारी, और उसके अंदर कौन सा है, अर्जुन वाटिका। तो सभी को पता है भाई गीता का उपदेश अर्जुन ने दिया था कहां पर, दिया था कहां पर, दिया था कुरुक्षेत्र के अंदर। तो कुरुक्षेत्र हर्बल वाटिका कहां पर पड़ेगा, सॉरी अर्जुन हर्बल वाटिका कहां पर पड़ेगा, कुरुक्षेत्र के अंदर। उसके बाद देखिए सिरसा, जिसको हम बोलते हैं संत नगरी, क्या बोलते हैं, संत नगरी, जो कि सिरसा है, और सिरसा के अंदर कौन सा हर्बल पार्क है, बहेड़ा। कौन सा, बहेड़ा हर्बल पार्क किसके अंदर है, किसके अंदर है, सिरसा के अंदर। तो ध्यान करना कई बार यहां से क्वेश्चन आने के काफी चांस होते हैं, क्योंकि जिस डिस्ट्रिक्ट के अंदर ज्यादा होंगे वहां से एग्जामिनर कम ही पूछता है, लेकिन जहां पर एक एक होंगे, यदि पेपर आसान आया तो यहां से क्वेश्चन पूछे जाने 100% है, यदि पेपर डिफिकल्ट आया तो फिर और जो हमारे हर्बल पार्क है वहां से पूछा जाएंगे जो कि जिनके अंदर, जिन डिस्ट्रिक्टों के अंदर ज्यादा हर्बल पार्क है। देखिए नेक्स्ट देखिए यमुनानगर, यमुनानगर की मैंने पहले चर्चा करी आपसे कि यमुनानगर के अंदर देवीलाल रुद्राक्ष, ध्यान करना मैं आगे भी रुद्राक्ष की चर्चा करूंगा, यहां पर भी ध्यान रखना देवीलाल रुद्राक्ष जो कि सबसे पहला हरियाणा का हर्बल पार्क है, 2001 में स्थापना की गई। उसके बाद आदि बद्री, कौन सा है, आदि बद्री, ध्यान करने दोनों हर्बल पार्क अपने आप में इंपोर्टेंट है, देवीलाल क्योंकि सबसे पहला है और दूसरा क्या है, आदि बद्री हर्बल पार्क। उसके बाद देखिए केथल, केथल के अंदर कौन सा है, जामुन, कौन सा है, जामुन, केथल जामुन। देखिए थल है, थल पर क्या होता है, जामुन का पेड़, तो दोस्तों सभी को पता है थल पर क्या होता है, जामुन का पेड़, और सेकंड क्या है, गुहना, क्या है, गुहना हर, कौन कौन से हैं, जामुन और गुहना जो कि किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ते हैं, तो ये डिस्ट्रिक्ट होती है आपकी कौन सी, केथल। दोबारा रिकॉल करते हैं, नू के अंदर एलोवेरा, फरीदाबाद के अंदर रतन ज्योत, गुरुग्राम के अंदर आंवला, रोहतक के अंदर सेंटर है, तो क्या है भाई, नीम है। उसके बाद पानीपत क्या है, बिलवा। उसके बाद कुरुक्षेत्र क्या है, अर्जुन है, और सिरसा के अंदर बहेड़ा।
उसके बाद केतल के अंदर अभी मैंने आपको बताएं कौन कौन से हैं आपके, जामुन और गुहना। उसके बाद देखिए करनाल, CMST के नाम से जाना जाता है करनाल को, और सबसे प्राचीन व्यवस्थित शहर हरियाणा का कौन सा है, करनाल। देखिए आप सभी को पता है कि जहां पर सीएम साहब होंगे वहां जो उनका निवास स्थान होगा वहां पर अशोक के पेड़ ज्यादा होंगे, तो ध्यान करना भाई हरियाणा का सीएम निवास करता है तो अशोक के पेड़ क्या होंगे भाई, जहां कोठियां होती हैं वहां पर अशोक के पेड़ क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं, बड़े बड़े बंगलों में आप देखोगे। तो ध्यान करना अशोक वाटिका, कौन सा अशोक वाटिका कहां पर पड़ता है, करनाल के अंदर, और इंद्री वाटिका, कौन सी वाटिका, इंद्री भी कहां पड़ती है, करनाल में। कई बार पूछ लिया जाता है कि वह इंद्री कहां पड़ती है, करनाल के अंदर। उसके बाद देखिए सोनीपत, देखिए सोनीपत जिसको सोने की नगरी कहा जाता है, सोनीपत इसके अंदर कौन से हैं आपके, इसके अंदर है अमलतास वाटिका और खानपुर हर्बल। देखिए खानपुर कला के अंदर सभी को पता है, खानपुर कला वैसे भी प्रचलित है क्योंकि यहाँ पर खानपुर कला के अंदर एशिया का सबसे पहला महिला विश्वविद्यालय है, तो ध्यान करनी है खानपुर कला। उसके बाद झज्जर के अंदर कौन सा है, पत्नीजाब और विंडावास अपने आप में इंपोर्टेंट है, कहाँ पर पड़ता है, झज्जर के अंदर। भाई विंडावास वैसे भी देखोगे आप जो आपके प्रमुख जो पार्क हैं या जो भी क्षेत्र हैं उनके अंदर सबसे ज़्यादा जो चर्चा की जाती है विंडावास के बारे में की जाती है, जो कि कहाँ पड़ता है, झज्जर के अंदर। उसके बाद देखिए हिसार के अंदर कौन सा है, सतावरी हर्बल पार्क और सैन्य हर्बल पार्क। ध्यान करना सैन्य हर्बल पार्क और सतावरी हर्बल पार्क, कौन कौन से, सैन्य और सतावरी, तो दोनों कहाँ पर है, हिसार के अंदर। उसके बाद भिवानी, सभी को पता है कि मुख्यमंत्री के बेटे हैं सुरेंद्र सिंह जो कि मुख्यमंत्री के बेटे थे, और इनका जो दोनों एक नाम है सुरेंद्र सिंह मेमोरियल और स्वर्गीय सुरेंद्र सिंह मेमोरियल, दोनों ही भिवानी के अंदर हैं। ध्यान करना एक तो केरू का नाम बहुत बार पूछा गया है कहाँ पर पड़ता है, तो केरू भिवानी के अंदर, और दूसरा आपका तोशाम कहाँ पर पड़ता है, तोशाम के अंदर, और एक पड़ता है आपका केरू के अंदर। उसके बाद फतेहाबाद के अंदर कौन सा है, मुलेठी और कंवर सेन गुप्ता। तो ध्यान करना एक पेपर के अंदर यह भी पूछा गया कि मुलेठी कहाँ पर है, तो ध्यान करना मुलेठी कहाँ पर पड़ती है, फतेहाबाद के अंदर। दोस्तों कहाँ पर पड़ती है, फतेहाबाद के अंदर मुलेठी है। उसके बाद देखिए जींद जब क्या होती है, जिद होती है जीतने की, तो चभी क्या किया जाता है, चंदन का तिलक। तो ध्यान करनी है चंदन वाटिका और कहुसन और चंदन वाटिका कहाँ पर पड़ते हैं, जींद के अंदर। उसके बाद पंचकुला कहाँ पर है, पंचकुला के अंदर सभी को पता है कि वह शिवालिक की जो पहाड़ी हैं पंचकुला के अंदर हैं, यहाँ पर कपूर थापली और टिक्करताल आप सभी जानते होंगे कि भाई टिक्करताल कहाँ पर पड़ता है, पंचकुला के अंदर। ये इंपॉर्टेंट है, जैसे मुलेठी के बारे में डायरेक्ट पूछा गया है कहाँ पर पड़ता है, फतेहाबाद के अंदर, टिक्करताल कहाँ पड़ता है, पंचकुला के अंदर, और ये अपने आप में भी क्या है, हर्बल पार्क है इन स्थानों पर। उसके बाद देखिए अम्बाला के अंदर देखिए हरड़ है, और सभी को पता है कैंट कहाँ पर पड़ता है, अम्बाला कैंट है, वत और शंकर और रुद्राक्ष इंपोर्टेंट करना, क्योंकि एक मैंने आपको यमुनानगर के अंदर बताया था देवीलाल रुद्राक्ष हर्बल पार्क, और एक रुद्राक्ष कहाँ पर पड़ता है आपका, अम्बाले के अंदर। ये काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए महेंद्रगढ़, मैंने कहा था कि भाई जो महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी है इनके अंदर सबसे ज़्यादा जो हर्बल पार्क है वो हैं। सबसे पहले देखिए मैं बात करूंगा सबसे पहले रेवाड़ी की, आप सभी को पता है रेवाड़ी जो कि पीतल नगरी है, रेवाड़ी क्या है, पीतल नगरी है, और इस पीतल नगरी के अंदर एक चीज ध्यान करनी है, सभी को पता है भाई इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी कहां पर है, रेवाड़ी के अंदर है, कहां पर है, रेवाड़ी के अंदर है। तो ध्यान करना रेवाड़ी के अंदर
जब इंदिरा गांधी है तो गांधी संबंध हुआ कहाँ से, इंदिरा से। तो ध्यान करना, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, महात्मा गांधी, भाई तीनों एक हैं गांधी। तो तीनों का हर्बल पार्क कहाँ पर है, रेवाड़ी के अंदर। उसके बाद एक चीज और ध्यान करना, जो भी किसी भी कैंडिडेट का पर्टिकुलर जो नाम है, उस नाम से संबंधित सबसे ज्यादा जो हर्बल पार्क है वो रेवाड़ी में। जैसे गांधी परिवार है, इंदिरा गांधी है, राजीव गांधी है, महात्मा गांधी है। उसके बाद शहीद भगत, जो शहीद भगत है हमारे, उनका भी यहाँ पर है। उसके बाद छोटू राम, ध्यान करना छोटू राम का संबंध गढ़ी सांपला से है, और इनका जो हर्बल पार्क है इनके नाम से वो कहाँ पर है, रेवाड़ी के अंदर। क्योंकि कई बार पेपर में आएगा और बच्चे क्या सोचेंगे, भाई छोटू राम का संबंध तो रोहतक से, गढ़ी सांपला से, तो 100% क्या होगा, रोहतक होगा। लेकिन इसलिए ये अपने आप में इंपोर्टेंट बनेगा, सर छोटू राम हर्बल पार्क कहाँ पर है, कहाँ पर है, रेवाड़ी के अंदर। उसके बाद देखिए मीरपुर, सभी को पता है कि इंदिरा गांधी जो यूनिवर्सिटी है वो कहाँ पर है, वो ओपन यूनिवर्सिटी है, ये कहाँ पर है, मीरपुर के अंदर। कहाँ पर है, मीरपुर के अंदर। उसके बाद गुरवा, अदेका, रामगढ़, पाली, ध्यान करना पाली वहाँ पर भी पड़ता है। उसके बाद सरदार वल्लभ भाई, ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है, सरदार वल्लभ भाई हर्बल पार्क कहाँ पर है, तो सरदार हर्बल पार्क कहाँ पर है, ये आपका रेवाड़ी में। उसके बाद देखिए बाबा वैन, कौन है, बाबा वैन, ध्यान रखना बाबा वैन, और बाबा वैन से संबंध एक महेंद्रगढ़ के अंदर होगा चवन ऋषि। तो दोनों में कन्फ्यूज नहीं होना है, चवन ऋषि का संबंध सभी को पता है महेंद्रगढ़ से है, और बाबा वैन का संबंध कहाँ से है, रेवाड़ी के। और लास्ट भुड़थला, भुड़थला पूछा गया है कहाँ पर पड़ता है, तो भुड़थला पड़ता है आपका रेवाड़ी के अंदर। इससे पहले महेंद्रगढ़ मैंने स्किप किया है, तो आप महेंद्रगढ़ की तरफ देखते हैं। महेंद्रगढ़ के अंदर क्या है, गूगल, सभी को पता है भाई हरियाणा की खनिज जो डिस्ट्रिक्ट है सबसे ज़्यादा कहाँ मिलते हैं, महेंद्रगढ़ के अंदर, गूगल, चवन, करिया, खेरी, फजलीपुर, फजलीपुर, बगौड़, और मोहलरा, बलहा, कनीना और कोका, और लास्ट है महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ तो अपने आप में आप सभी जान लेंगे, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा है, कोका। कोका अपने आप में इम्पोर्टेंट है, गूगल अपने आप में इम्पोर्टेंट है। तो ध्यान करना ये वो क्वेश्चन है जो कि आपकी परीक्षाओं में आने ही आने हैं। तो एक बार थोड़ा सा और रिकॉल करता हूँ मैं, पहले मैंने जिन डिस्ट्रिक्टों के अंदर जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, एक एक हर्बल पार्क, एलोवेरा पढ़ा, उसके बाद क्या पढ़ा मैंने रतन जोत के बारे में पढ़ा, आमला के बारे में पढ़ा, आपके माइंड में घूमनी चाहिए सारी चीज़ें, रोहतक के बारे में पढ़ा, आया हुआ क्वेश्चन है रोहतक के बारे में, पानीपत के बारे में पढ़ा, बिलवा है पानीपत के अंदर, कुरुक्षेत्र के अंदर अर्जुन वाटिका है सभी को पता है, सिरसा के अंदर बहेड़ा है। उसके बाद देखिए यमुनानगर के अंदर मैंने देवीलाल बताया, और आदिबद्री और देवीलाल का संबंध कहाँ से है, यमुनानगर से। केथल के अंदर बताया कि भाई थल पे क्या होती है, जामिन होती है, गुहाना और जामिन। उसके बाद करनाल के अंदर सभी को पता है क्या है, सीएमसीटी है, सीएमसीटी के अंदर क्या होंगे, अशोक के पेड़ होंगे, तो अशोक का संबंध, अशोक वाटिका कहाँ है आपकी करनाल में, और इंद्री भी आपकी कहाँ है, करनाल के अंदर। सोनीपत, अमलतास और खानपुर, खानपुर कला के बारे में बताया, महिला जो विश्वविद्यालय हरियाणा का। उसके बाद झज्जर के अंदर मैंने बताया भिंडावास अपने आप में इम्पोर्टेंट है, हिसार के अंदर बताया सैन्य हर्बल पार्क अपने आप में इम्पोर्टेंट है, भिवानी के अंदर सुरेंद्र सिंह मेमोरियल है जो कि केरू और तोशाम के अंदर है। कई बार ये भी ध्यान रखना है, तोशाम भी पूछ लेते हैं कहाँ पर पड़ता है, तो कहाँ पर है, भिवानी के अंदर। फतेहाबाद के अंदर क्या, मुलेठी, और मुलेठी अपने आप में इम्पोर्टेंट है। जींद का चंदन है, मैंने कहा था कि भाई जीत हो जब जीतने की जिद होती है तो क्या लगाते हैं, चंदन लगाते हैं। पंचकुला के अंदर कौन सा है, कपूर है, थापली और टिक्करताल है। अंबाला के अंदर अरड़ है, कैंट है, शंकर है, रुद्राक्ष है। शंकर का ध्यान करना नाम से है। महेंद्रगढ़ के अंदर क्या है, गूगल है, चवन ऋषि है, ठीक है, और महेंद्रगढ़ अपने आप में कोका है, खेरी है। रेवाड़ी के अंदर मैंने बताया आपको मीरपुरा है, मीरपुर इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी है, महात्मा गांधी है, इंदिरा गांधी है, सरदार वल्लभ भाई पटेल है, बाबा बैन है, तो और पाली भी इसी के अंदर है, सरदार वल्लभ भाई पटेल हर्बल पार्क है।
तो दोस्तों ये वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो जिनके अंदर से क्वेश्चन अक्सर एग्जामों में बनता ही बनता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ और एक नया टॉपिक हरियाणा सेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।